कितना पैसा दिया? जियो मार्ट से सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सीरियसली? Hey guys, welcome back to my new vlog. So friends, आज है संडे और आज संडे मेरे लिए हमेशा की तरह बोरिंग डे हो जाता है. मतलब बोरिंग मतलब आज कुछ पर्सनल इशू के वजह से मैं ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ. तो और लगता है मेरा भैया आ गया, इसलिए शीरो पूरा चिल्ला जो मतलब खुश हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है मेरे भैया का, क्योंकि भैया उसका बचपन से ज़्यादा मतलब पाला पोसा है, वही सब किया है, इसलिए शीरो उस भैया को देख के ज़्यादा खुश होता है. सो फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाली हूँ आपको कि शीरो शैना कहाँ जा रही है. तो गाइस आप देख सकते हैं कहाँ जा रही शैना, क्या हुआ शैना? ग्रिल बंद है, ग्रिल बंद है, इसीलिए शीरो परेशान हो रहा. भैया आ चुका है और ग्रिल बंद है. क्या हुआ शीरो, जाओ खोल ग्रिल, जाओ खोल. ये भी परेशान, शैना भी परेशान, शीरो भी परेशान, ग्रिल बंद है. क्या हुआ शैना? मेरे भैया बुला रहा है, ये एकदम मतलब गाइस शीरो भैया लगता ऊपर आ रहा है. बाप रे बाप, शीरो ये पूरा शीरो का कितना ज्यादा खुश हो गया. देख सकते हैं ये लोग का. गॉड, आप लोगों ने देखा मेरा शीरो कितना ज्यादा भैया से प्यार करता है, वो चिल्ला रहा, वो इधर रोने लगा. शीरो ग्रिल भी बनता. ओ गॉड, मेरी गुन्नू भी आ गई यहाँ पे. गुन्नू क्या हुआ? गुन्नू भूख लगा मेरी, लाडो भूख लगा है. गुन्नू लाडो, आप देख सकते हैं गुन्नू मेरे बाजू में आके बैठ गई है. मेरे भाई मस्त, पता नहीं क्या कर रहा है. क्या कर रहा है तुम? से हाय. फ्रेंड्स, हम आज मतलब हम आप लोगों का आज बहुत ही यूनिक बात बताने वाले हैं. बहुत लोगों को ये पता होगा, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा. तो फ्रेंड्स, हम बताने वाले कि हम लोगों ने फ्री में जियो मार्ट से बहुत सारा प्रोडक्ट मंगाया है, जैसे कि मैं अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाली हूँ. तो ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं अनबॉक्स करके. गाइस, हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये हम लोगों ने मंगाया है जियो मार्ट से. आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जियो मार्ट, जो कि रिलायंस का ही है. तो ठीक है गाइस, चलिए हम आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं. तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने मंगाया है ये मैगी, और ये है 105 रुपये का मैगी जो हम लोगों को फ्री में मिला है. यहाँ पे लिखा हुआ है 105 रुपये, आप देख सकते हैं गाइस. तो ये हम लोगों को फ्री में मिला है, और ये है. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये है डार्क फैंटेसी बिस्किट, जो कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, होप आप लोगों को भी पसंद होगा. तो ये भी हम लोगों को फ्री में मिला, और इसका प्राइस है, इसका प्राइस कितना, एक ये भी 150 रुपये का. गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस, देखो ये भी 150 रुपये का है, और ये भी हम लोगों को फ्री में मिला है जियो मार्ट. आपको बता देते हैं हम, जियो मार्ट जो हम लोग जब हम रिचार्ज करते हैं तो जो कैशबैक मिलता है, तो वो हम लोग मतलब जो रहता है वो बचा हुआ रहता है कैशबैक, जैसे 20% 30% जो कैशबैक मिलता है, वही सारा पैसा हम लोगों ने रिडीम किया है ये सब खरीद के. तो गाइस आप लोग भी ये ट्रिक मतलब यूज़ कर सकते हैं. हम लोगों ने तो किया, थोड़ा सा मुश्किल है ट्रिक को यूज़ करना, जो समझ जाएंगे वो कर लेंगे. मैं इसमें बताऊंगी आपको कैसे ये ट्रिक को यूज़ किया जाता है. तो गाइस मैं अभी तक मतलब ये तीनों खा ली, क्योंकि मेरा जो बिस्किट है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. वीडियो के बीच में मुझे रहा नहीं है, तो मैं 3 बिस्किट भी खा ली हूँ. तो फ्रेंड्स हम अब पॉइंट पे आते हैं, मतलब मुद्दे के बात पे आते हैं. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि जियो मार्ट से आप कैसे फ्री में जो कैशबैक आपको मिलता है रिचार्ज के बाद, वो जो कैशबैक बचा हुआ रहता है उसको आपको रिडीम करना होता है. बहुत लोगों का जो पैसा आता है वो वेस्ट हो जाता है, मेरा भी वेस्ट हो चुका है, मतलब एक्सपायर कर गया मेरा जो पैसा था. मेरा भाई अपने वो अपना जो उसका जो कैशबैक था वो मंगाया, मुझे पता ही नहीं था, तो मेरा ये हो गया, एक्सपायर कर गया. तो आप कर सकते हैं, अगर आप लोग अभी चेकआउट कर सकते हैं अपने जाके जियो मार्ट वाले में, देख सकते हैं हम लोग ने ये मंगा लिया है. और तो ठीक है, फिलहाल तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर खाने के लिए, क्योंकि मन कर रहा था मुझे. तो मेरा क्या बोला,
मेरा ये कैशबैक दिखा रहा, अभी बोली ना इसका आया, मेरा देखो तो भैया को वीडियो बनाते बनाते ये भी सुरा, तो ये भी आया, इसको भी पता नहीं था शायद। अभी देखे 1080 दिखा रहा, इतना का सामान आ जाएगा आपका। तो फिर ये आया कैसे? हम तो ये रिचार्ज कराते हैं ना। कितना पैसा दिखो? 1080 रुपये, इतना का सामान आ जाएगा। तो हम तुम लोग को बोलते सुने तो डाउनलोड, हमको पता भी नहीं था कैशबैक में रहा था, ऑनलाइन शॉपिंग करते ना हो सके उससे कुछ आया होगा। अरे बाप रे बाप, 1080 एक्सपायरी डेट है। हाँ, एक एक्सपायर होते जा रहा है आपका। कितना का अभी तक एक्सपायर हो गया? 501, 411 एक्सपायर हो गया। हाँ, 143 रुपया। अरे एक्सपायर होने का कोई डेट नहीं है ना? पैसा ये देखे, एक्सपायर हो गया, एक एक्सपायर हो गया 11 रुपया वाला। अभी चलो 11 ही रुपए एक्सपायर हुआ ना, अभी बाकी है ना 1000। 1000 बाकी है ना, 1080 रुपया मेरे में पता ही नहीं था। देख रहे मम्मी ये लोगों को, गाइस आप देख सकते हैं मेरा वीडियो बनाने से कितने लोगों को फायदा हुआ। मेरे बड़ा भैया, उसको भी मेरा छोटा भाई बताया था हमको ये बात, और ये बात अभी भैया अपना फोन चेक करा तो उसका में मतलब उसमें भी 1080 रुपया 1080 रुपया है, तो वो भी अब कुछ सामान मंगवाने वाला 1080 रुपये का फ्री में। किसको पसंद नहीं है सामान लेना, तो वो भी आज फ्री में सामान मंगवाने वाला। और ये मेरी गुन्नू और ये लोग, ये लोग खुशी, बाप रे बाप, गुन्नू लोग भी खुश हो गई है। गुन्नू खुश हो गई, लाडो खुश हो गई, बाबू ये शिरो। गाइस मैंने बिस्किट का भी रैपर फाड़ा और मेरी जो गुन्नू है यहाँ पे आके बैठ गई है, आप देख सकते हैं। गुन्नू ये खाएगी? गुन्नू 205 रुपए खाएगी गुन्नू, उसको स्मेल आ रहा है गुन्नू को। देखिए गाइस मेरा भैया कैसे छीन के खाएगी अभी मेरे भैया से। डर भी लगता है, नाखून से कितना बार कट लग चुका ले। अब दे दो। तो गाइस देखे मेरा मुंह में फंस गया है क्रीम, फंस क्या फंसा गुन्नू? अरे सब माथा में लगा ली गुन्नू, क्रीम ये होगा ना, क्रीम चिपक गया होगा क्रीम। वो साफ कर दो, साफ कर दो। देखो जल्दी कर दो, आ इधर इधर आ, साफ भैया क्लीन कर देगा गुन्नू। दिखा दूं माथा ना, कुछ माथा क्या हुआ गुन्नू? अरे ये ऐसा ये करने के लिए। सो फ्रेंड्स आई होप मेरा आज का जो ब्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो मेरे आगे के ब्लॉग्स में बने रहें। और फ्रेंड्स मैं जो मैंने आपको बताया जियो मार्ट के बारे में कि आप उस वहाँ जाके फ्री में सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, और कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, उसको कैसे रिडीम करना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं जो कल जो वीडियो डालने वाली हूँ उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में अच्छे से, कि कैसे आपको क्या क्या उसका प्रोसेस है। तो आप मेरे आगे के ब्लॉग्स में बने रहे, ब्लॉग के बीच में ही मैं आपको ये चीज़ बता दूंगी। तो ये मुझे लगा काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबको बता देती हूँ, जिन जिन लोगों को पता नहीं है उनका पैसा ऐसे ही एक्सपायर कर जाएगा, ऐसे वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा आप कुछ ऑर्डर कर लें। तो ठीक है, मैं कल के ब्लॉग में सब कुछ आपको डिटेल में बता दूंगी। तब तक के लिए मेरे अगले ब्लॉग में बने रहे, तब तक के लिए बाय।